वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं जगजीत सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। अपनी ही वीडियो होंदी है क्या हुए ने यानी कि क्वेश्चन दे आंसर। तुसी कमेंट दे रूप दे विच मैनूं सवाल करदे हो और मैं थोड़े सारे सवालों का जवाब इस वीडियो च दिंदा हुंदा। यह वीडियो हर रोज रात नूं यूट्यूब तों रिलीज़ होंदी है। आओ शुरू करदे हां अज दा क्या हुए ने। सब तो पहला कमेंट है सिद्धू साहब दा। सिद्धू साहब लिखते हैं, फिजी आइसलैंड भी ऑन अराइवल है और नीयर बाय आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है। इन्होंने यह कमेंट किया, मैं एक वीडियो पाई सी कि इंडिया नू केड़े केड़े वीज़ा फ्री कंट्री ने, केड़े केड़े ऑन अराइवल वीज़ा कंट्री ने। उन्हां विच मैं फिजी का जिक्र नहीं किया सी, मैं पर उहदे विच एक चीज़ कहा सीगा कि जिहड़ियां मैं कंट्रीज़ दस रहा हैगा ये तो हैगियां ने, इस तो इलावा होर भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैगे ने जिहड़े ऑन अराइवल ने या वीज़ा फ्री कंट्री ने, खास करके इंडियन पासपोर्ट लई। सो फिजी जिहड़ा हैगा ये भी इंडिया नू ऑन अराइवल वीज़ा ग्रांट करता है, और ये जिहड़ा आइसलैंड हैगा यानी कि आइलैंड छोटा जिहा बहुत छोटा कंट्री है, ये पैंदा हैगा आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे बिल्कुल नेड़े। सो जिहड़े मेरे वीर भैण भरा फिजी जाना चाहते ने उन्हां नू किस तरह दे कोई वीज़ा की जरूरत नहीं होंदी, क्योंकि जिहड़ा फिजी है वह ऑन अराइवल 30 डेज का तुहानू वीज़ा जिहड़ा हैगा वह ग्रांट कर दिंदा है। अच्छा कंट्री है, डॉलर चलते ने उत्थे, और जिहड़ा डॉलर का रेट भी आई थिंक INR दे मुकाबले मोर दैन 35 रुपये हैगा। सो अच्छा कंट्री है, तुसीं घूमन भी जा सकते हैगे उरे, और तुसीं उत्थे जा के आपदा वर्क भी कन्वर्ट करा सकते हैगे जेकर तुहानू उत्थे कोई जॉब वगैरह की ऑप्शन मिलती है। नॉर्मली जिहड़ी उत्थे जॉब्स ने यानी कि जिहड़ी सैलरी हैगी नॉर्मल लेबर नूं 40-45 हज़ार रुपया वह मिल जाती है। सो तुसीं उधर भी रुख कर सकते हैगे। अगला कमेंट हैगा जी शाह जैफर हुसैन दा, लिखते हैं, सर ECR पासपोर्ट पर यूरोप कंट्री का वीज़ा लिया जा सकता है वर्क परमिट पर। देखिए, आप ECR पासपोर्ट पे किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं। ECR का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जिन लोगों की क्वालिफिकेशन मैट्रिक से कम होती है उनके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिख दिया जाता है, पर ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इससे आप ओनली मिडल ईस्ट में जो वर्क परमिट पे लोग जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है, और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पर वर्क परमिट के लिए पूछ रहे कि हम यूरोप में वर्क परमिट पे जा सकते हैं, क्योंकि वर्क परमिट के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट आप ECR का मतलब है कि आप अंडर मैट्रिक हैं, तो वर्क परमिट में दिक्कत आ सकती है, बट आप टूरिस्ट वीजा पे किसी भी कंट्री ECR पासपोर्ट से जा सकते हैं। अगला कमेंट है जी, एक साड़ी सक्सेस स्टोरी सीगी कैनेडा सुपर वीज़ा दी, इहदे ते कमेंट करते हैं मिस्टर विली सिंह, लिखते ने एज किन्नी चाहिंदी हैगी सुपर वीज़ा लई। सुपर वीज़ा लई एज रिक्वायर्ड नहीं होंगी, सुपर वीज़ा उन्हां लोगों का होंदा जिन्हां दे बच्चे कैनेडा दे विच घट्टो घट्ट PR ने, ते उन्हां दी घट्टो घट्ट इनकम $38,000 साल दी हैगी है। सो जेकर थोड़ा कोई बच्चा कैनेडा च है, PR है या सिटीजन हैगा, जे उसकी इनकम $38,000 तो उपर है तो तुसी सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सुपर वीज़ा का फायदा की होंदा है, जिहड़ा नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा होंदा है वैलिडिटी दोनों की सेम है, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ाज होंदे ने दोनों, बट नॉर्मल जिहड़ा सुपर जिहड़ा नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा इस उपर तुसी मैक्सीमम 6 मंथ तक वन टाइम स्टे कर सकते हो, पर सुपर वीज़ा के उत्ते तुसी 5 साल तक कंटिन्यू कैनेडा रह सकते हो। शर्तां दोनों दी वक्खो वक्खरी ने, डिटेल जानने लई तुसी सानू कॉल जिहड़ी हैगी है कर सकते हो। अगला कमेंट है जी यूज़र MN3 दा, लिखते ने सर आपसे ही विजिटर वीज़ा लगवाना है। कोई बात नहीं, आप हमें मिल सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर अभी उपलब्ध है जो लिखा हुआ है आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं और भी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है जी यूज़र By95 लिखते ने, सर मेरी बायोमेट्रिक 21 जुलाई में हुई सी, प्रायोरिटी बेस से वीज़ा सी, अजे तक वीज़ा नहीं आया। देखो जेकर थोड़ा 21 जुलाई नू थोड़ी फाइल सबमिट हुई सी तो तुसी प्रायोरिटी बेस दी फीस सबमिट की हुई है तो थोड़ा वीज़ा आना चाहिए। हो सकता कोई थोड़े वीज़ा नू लैके या कोई डॉक्यूमेंट नू लैके कोई एम्बेसी नू डाउट होवे या थोड़ी कोई वेरीफिकेशन होवे होंदी होवे, उस केस दे विच तुस वेट कर सकते हैगे, अदरवाइज थोड़ा वीज़ा आना चाहिए हैगा। तो तुसी चेक कर लो अपने कंसल्टेंट नू, कंसल्ट कर
लो या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਲੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ FDR 20 ਡੇਜ਼ ਓਲਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। FDR ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਓਲਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ FDR ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। FDR ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ FDR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FDR ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੂਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ FDR ਔਰ FDR ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।